सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक न आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं है, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी मनुष्य को याद करने लगते हैं भगवान समझते हुए, तो भगवान के विषय में यथार्थ पहचान नहीं, तो वो संकल्प भी क्या हुआ, प्रैक्टिकल कर्म में जब आए विकल्प हो गया या विकर्म हो गया, तो वह भी रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। कर्म की गुह्य गति की बातें सचमुच समझने की बहुत महीन बातें हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते। ओम नमः शिवाय, बाबा कहे ये गीत का अर्थ नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो, बाप द्वारा पुरुषार्थ भी जो कर रहे हैं बाप द्वारा, क्योंकि अब सन्मुख सहायक है ना। गीत में आगे आता है, तुम स्वामी सहायक हो, तो बाबा कहे बाप द्वारा, क्योंकि अब सन्मुख सहायक है। सहायक बनते तब है जब भारी भीड़ आती है, बहुत दुख आता है, तभी बाबा आकर सहायक बनते हैं। इसलिए बाबा कहे सहायक बनते तब है जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है। श्री बाबा हमारा गुप्त रीति सहायक है, सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर है। सत्युग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। शाहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा, यह तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाएं सब नुकसान करने वाले हैं। जानवर भी कैसे हैं, कष्ट देने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमोप्रधान। मनुष्य के ही वाइब्रेशंस सब पर पड़ते हैं, प्रकृति के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर। बल यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। यह अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य न तो आत्मा को और न परमात्मा को ही जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है, बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी है कि आत्मा स्टार ब्रुकुटी के बीच रहती है। अब ब्रुकुटी के बीच बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए,
हाँ वो तो ट्यूमर हो जाए, ये समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि बाबा स्टार है, उनमें सारा ज्ञान है, वह सत है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। शिव बाबा परमात्मा है तो उनमें भी बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सत्युग में कोई तूफान आदि नहीं आते। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वह हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो। इतना सहज योग सिखाते बाबा, सुख धाम शांति धाम को याद करो, या फिर सूक्ष्म समझाने दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है। यूं तो पांच तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। बाबा कहे पांच तत्वों में चैतन्यता जरूर है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि या आत्मा नहीं कहेंगे। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्य के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं व नहीं करूं। पहले मन अच्छा व बुरा संकल्प चलाती है, फिर बुद्धि उस पर गौर करती है, सोचती है करूं व नहीं करूं। जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। बल भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग है यह भी समझते नहीं। किसको याद कर रहे हैं? ब्रह्म तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है। क्या संकल्प उठता है? कि भगवान को याद करे। बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वो रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं। जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है, बुद्धि में विजडम आई है, तो बाबा कहे सिंपल भाषा में अकल मिली है। रॉन्ग काम करने के लिए मना है, कर्मेंद्रिय से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वह रॉन्ग ही करते थे, भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़ी है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है। है ही झूठी दुनिया, सत्युग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत, शिव बाबा जो सुनाते हैं सब सत, सच बोलते हैं, सच खंड स्थापन करते हैं। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं। कैसे करते हैं? बाबा कहे ये डिटेल की बड़ी
महीन बातें हैं। कोई भी ये समझ न सके, बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाप कहते धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षी को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि पुराने मकान से निकल नए में लग जाती है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। यह फिर है बेहद की बात, देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। यह देह भी तो वापस नहीं जानी है, आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का पाठ कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हो वह सब रॉन्ग है, जो करते आए थे वह सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। बाप राइट बात बताते हैं, बाप बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। कहते हैं यह ICS पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है, बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते हैं। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, यह भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले नहीं है। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़ी पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अर्जुन बहुत बड़ी है, जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना, छूट नहीं सकते। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाप बैठ समझाते हैं, क्या समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो, तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। यह कोई एक को थोड़ी पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं, शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ, जो समझे हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं, जैसे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वह है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं, शिव बाबा का कोई फादर नहीं, गुरु भी नहीं, क्योंकि वह सत गुरु है। तब वे गुरु लोग कौन है, दुनिया में जो गुरु लोग है वो कौन है, वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं,
कहेंगे स्वर्ग पधारा। तो ये झूठ बोला ना, स्वर्ग पधारा तो बाबा के ये झूठ बोला ना, आते तो फिर भी यहाँ ही है। कोई कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, यह तो फिर झूठा हुआ ना। इतना प्यार से बाबा समझाते, वैकुंठ वासी हो गया फिर उनको नर्क का भोजन खिलाते हो, इसको कहा जाता है अनराइटियस। इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्य की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूं, ज्ञान के चक्षु खोलते हैं अर्थात ताला खोलते हैं, माया ताला लगा देती है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दोनों इक्वल होता है ना। फिर सत्युग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया है? सत्युग की आयु बहुत बड़ी बताते और रात को यानी कलयुग की आयु को बहुत छोटा बना देते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना, ये बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं, कल की बात है। तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया अब गवा दिया। बाबा कहे तुमने राज्य किया अब गवा दिया, कल तुमको राजाई थी आज है नहीं, फिर लो। आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, तुम नर्क के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। बाबा का उलना है कि तुम नर्क के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, बाबा भी जानता है माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? बाबा पूछते लौकिक में प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? ये तो समझने की बात है, ये राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बात की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाप की समझानी दे फिर लिखवा लेना चाहिए, निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह न सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे,
विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो प्रजा के बीच में होगा, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, जगत पिता और यह जगत अम्बा, फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है, इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। यथार्थ बुद्धि का ताला खुला हो तो बाबा कहे कोई भी रॉन्ग कर्म कर्मेंद्रिय से नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले ले। दूसरी पॉइंट, अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल बाप और वर्षे को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलापन का असर न हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। इस समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा, इसको कहा जाता है रत्न चुगना। आज का स्लोगन है नाव और खेवैया। नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। अच्छा, ओम।